देखिए, पीछे वाला क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ाए थे? माइनर और कोफैक्टर, ठीक। अब लिखिए एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। यदि आप पीछे वाला क्लास नहीं किए हैं तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी बी अ मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए देन ट्रांसपोज ऑफ बी इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए, लिख लिए। इसको रटना नहीं है। क्या बोले हैं? एक बार पढ़ते चलना है। डिफरेंशिएशन के तरह एक एक सवाल बनाने का कोई जरूरी नहीं होता है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में टाइप वाइज ये टाइप बन गया, ठीक हो गया मैट्रिक्स, ठीक। वो टाइप बन गया, वो टाइप का मैट्रिक्स ठीक हो गया। लेकिन कैलकुलस में क्या है कि जितना आप सवाल बनाइएगा उतना सीखिएगा, जितना कम बनाइएगा कम सीखिएगा। उसमें रहता कौन चीज है? बहुत कुछ रहता है। चलिए, ये देखिए, यहाँ ये क्या बोल रहा है, यहाँ देखें। ए क्या है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या लिखें? लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड बी बी अ मैट्रिक्स। बी भी क्या है? एक मैट्रिक्स ही है। ऑब्टेंड बाय कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ए के कोफैक्टर से बनाए गए जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स बी है, समझे। ए क्या है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी भी एक मैट्रिक्स ही है जो ए के कोफैक्टर से बनाया गया है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? फिर से एक बार सुने।
ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी क्या है, बी भी एक मैट्रिक्स है जो ए के कोफैक्टर से बनाया गया है, मतलब ए के एलिमेंट के कोफैक्टर से बनाया गया है, तब बी का ट्रांसपोज को क्या कहते हैं, एडजॉइंट कहते हैं ए का, कोई दिक्कत? और उसको लिखने का ढंग ये है, मिटा दें। एग्जाम्पल मान लीजिए ए बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 1 है, ठीक। ए कोई मैट्रिक्स है, बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो ए के कोफैक्टर से बनाया जाता है, मतलब पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो का कोफैक्टर लिखने जा रहे हैं। कोफैक्टर लिखने वक्त चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता है, इसके लिए क्या चिन्ह होगा, प्लस क्या होगा, क्योंकि ये वन वन है, समझे? तो ये रखे, ये साफ 6, 7, 3, 1, यहां चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, क्योंकि यहां 1, 2 है, तो माइनस एक पर पावर एक जोड़ दो तो माइनस चिन्ह विषम हो गया। तो ये साफ 5, 7, 8, 1, उसके बाद 4 रखे, ये साफ 5, 5, 6, 8, 3, चलिए लिखिए, वो रखिए सब 5, 6, 8, 3, दैट इज, यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस, ये प्लस, यहाँ कोमा देते हुए चलना है, ये नहीं कि हम जोड़ रहे हैं सबको, 6 माइनस 21 माइनस 15, यहाँ देखिए 5 माइनस 56 माइनस 51, माइनस माइनस प्लस 51, 15 माइनस 48 कितना, कितना, माइनस 33। हो गया, अब देखिए हमें जगह तो कम है, हम ये साइड में लिख लेते हैं, आप लोग को नहीं लिखना है ये साइड में, -15, 51, -33। अब देखिए सेकेंड रो का कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, देखिए सेकेंड रो के लिए यहां क्या होगा, 2, 1, मतलब निगेटिव ना, दूसरा रो पहला कॉलम माइनस एक पर पावर दो जोड़ एक, तो यहां पर देखिए माइनस ये साफ 3, 4, 3, 1, उसके बाद 6 के लिए प्लस
चूंकि टू टू है तो दो दुना चार प्लस साइन, तो ये साफ टू फोर एट वन सेवन के लिए माइनस, ये साफ टू थ्री एट थ्री, टू थ्री एट थ्री। चलिए लिखिए जल्दी से, माइनस तीन माइनस बारह माइनस सॉरी तीन माइनस बारह माइनस नौ प्लस नौ, दो माइनस बत्तीस माइनस तीस, छः माइनस चौबीस माइनस अठारह प्लस अठारह, तीन माइनस बारह माइनस नौ माइनस माइनस प्लस नौ, दो माइनस बत्तीस माइनस तीस माइनस तीस, छः माइनस चौबीस माइनस अठारह माइनस माइनस प्लस अठारह। लिख लिए यहाँ पर सेकेंड का क्या हो गया, नाइन माइनस थर्टी एटीन। हो गया, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो, प्लस थ्री वन है तो प्लस साइन, तीसरा रो पहला कॉलम तो प्लस, ये साफ थ्री फोर सिक्स सेवन माइनस, थ्री रखे ये साफ टू फोर, देखिए ये साफ टू फोर फाइव सेवन, वन रखे ये साफ चिन्ह प्लस का, ये साफ क्या हो जाएगा टू थ्री फाइव सिक्स, दैट इज 21 माइनस 24 तो माइनस 3, 14 माइनस 20 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6, 12 माइनस 15 माइनस 3। देख लीजिए एक बार, सही है ना, यही ना आया है सब, क्या आ गया माइनस 3 6 और 3। आपने ए के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया, कोई दिक्कत? फिर से सुने एडजुएंट का क्या कहना था कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, वह मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, ये सब लिखाएंगे उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ सुनिए, ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी क्या है, बी भी कोई मैट्रिक्स है जो ए के कोफैक्टर से बनाया गया है, तो ए का कोफैक्टर निकाल लिए हम, और बी के ट्रांसपोज को एडजुएंट कहते हैं मैट्रिक्स ए का, समझे, मिटा दें इसको। हाँ तो अभी तक हम क्या किए हैं, ए कोई मैट्रिक्स था, उसके एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाले हैं, अब हम उससे एक मैट्रिक्स बी बना रहे हैं। माना बी एक मैट्रिक्स है जिसमें वैसे वस्तु को भरा जा रहा है जो ए के कोफैक्टर है, तो देखिए पहला रो का कोफैक्टर ये है तो माइनस पंद्रह इक्यावन माइनस तैतीस, नाइन माइनस थर्टी एटीन माइनस थ्री सिक्स माइनस थ्री, आपने बी का निर्माण कर दिया। अब देखिए B के ट्रांसपोज को एडजुएंट कहते हैं मैट्रिक्स A का, तो ट्रांसपोज का क्या कहना है, रो को कॉलम में बदल दीजिए, वो ट्रांसपोज कहलाता है। माइनस पंद्रह इक्यावन माइनस तैतीस
9 माइनस 30 18 माइनस 3 6 माइनस 3 समझे। और आप जो ये ट्रांसपोज किए यही क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है मैट्रिक्स ए का। कौन चीन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स वाला देना है, डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट वाला देना है। इस सब के लिए घबराना नहीं है, धीरे 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 सवाल बनाइएगा पता चल जाएगा। अभी तो चल रहा है कि जो जो सवाल में टर्म यूज होगा वो सब पढ़ रहे हैं। ये लिख लिए, मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ये सवाल की बोल दिया जाए कि ये इसका एडजॉइंट बताइए निम्नलिखित में कौन होगा, क्या इतना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए देखिए, आप ये लिख लिए हैं, मिटा रहे हैं। देखिए ये कोई मैट्रिक्स है, इसका डायरेक्ट एडजॉइंट कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहां ध्यान दें, 2 3 4 5 6 7 8 3 1 लिख लिए। हम इधर लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है, इसको मिटाना पड़ेगा। माइनस 15 9 माइनस 3 51 माइनस 30 6 माइनस 33 18 और माइनस 3। देखिए हम क्या किए हैं, जो मैट्रिक्स में एलिमेंट था वही मैट्रिक्स के एलिमेंट को एग्जैक्ट छाप दिए, कोई दिक्कत? अब देखिए इधर से दो कॉलम लिखना है तो 2 5 8 3 6 3 समझे। पहले ये इतना बात देखिए, 2 5 8 2 5 8 3 6 3 3 6 3 4 7 1 4 7 1 जो मैट्रिक्स में अभी अब था जैसे था वैसे लिख दिए हैं, पहला रो का पहला रो, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, समझे। इधर से दो कॉलम इधर छाप दिए हैं, कोई दिक्कत? अब ऊपर से दो रो लिखिए, 2 3 4 2 3 5 6 7 5 6 समझे हैं। देखिए पहले इतना सा आपका मैट्रिक्स था, इधर से दो कॉलम को लिख दिए हैं इतना बना, हाँ या नहीं? ऊपर से दो रो को नीचे लिखे। ये आखिरी एग्जाम्पल नहीं है, इसके बाद भी एग्जाम्पल आएगा, घबराना नहीं। ये कॉलम हम काट दिए, कोई दिक्कत? और रो भी काट दिए। मैट्रिक्स लिखने के बाद ये लिखिएगा और करके मैट्रिक्स लिखिएगा तब ये लिखिएगा। देखिए सुन लीजिए, और करके पहले मैट्रिक्स लिखना है तब ये लिखना है। हमारे पास तो जगह नहीं है, नीचे नहीं जाएंगे तो हम यहां लिखेंगे, समझे। हाँ सवाल फिर से एक बार लिख लीजिएगा, उस जगह तो समझ में आएगा बेहतर। अब देखिए, अब यहां ध्यान से देख लें, एक बार काम करेंगे कॉलम में और लिखेंगे रो में, काम करेंगे कॉलम में लिखेंगे रो में। 6 गुना 1 6 माइनस 21 कितना हो गया, माइनस 15। अब देखिए 12 माइनस 3 कितना हुआ, 9।
काम कर रहे हैं कॉलम में, लिखेंगे रो में। 21 माइनस 24 माइनस 3 तो माइनस 3, देखिए वही है। अब देखिए 8 सते 56 माइनस 5 51, 2 माइनस 32 माइनस 30, 20 माइनस 14 6, अब देखिए 15 माइनस 48 माइनस 33, 24 माइनस 6 18, 12 माइनस 15 माइनस 3, देखिए तो वही आया है, हैं? तो ये कितना शॉर्टकट है, ये तभी लगाना है जब ऑब्जेक्टिव पूछे, ठीक। हाँ सब्जेक्टिव में रहेगा तो लॉन्ग से जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत? चलिए इसको लिखिए। चलिए इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, मिटा दें। हो गया। अब 2x2 का देखिए तो 5-10 एग्जाम्पल क्यों नहीं दिए? एग्जाम्पल देंगे, पहले एक सवाल का प्रोसेस एकदम याद हो जाना चाहिए कि एडजॉइंट निकालना है तो कैसे निकालना है, माइनर निकालना है तो कैसे निकालना है, कोफैक्टर निकालना है तो कैसे निकालना है, तब ना दूसरा सवाल का अप्रोच पता रहेगा तो खींच दीजिए। 2, 3, 4, 5 इसका निकालना है माइनर कोफैक्टर, सॉरी एडजॉइंट, माइनर कोफैक्टर तो निकालने के लिए सिखा चुके हैं। चलिए लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो। ये साफ यहां ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो का कोफैक्टर लिख रहे हैं, ये साफ बचा क्या 5, 2 के लिए 3 के लिए, ये साफ बचा कितना 4, चिन्ह यहाँ 1-1 है तो ये प्लस, यहाँ 1-2 है तो यहाँ माइनस, समझे? समझना पड़ेगा। 5-4 चलिए लिखिए, हाँ ये हो गया फर्स्ट रो का। दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं, रट लीजिएगा, हाँ वही विधि है ये भी। जो जो लंबा बनेगा ना उसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बता देंगे, वो 3x3 में अप्लाई होगा। इसके लिए ट्रैक किया जाए क्या? 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 5 गलत है ये। चलिए सर 4 में रखे, चलिए यहाँ देखिए 2 रखे ये साफ 5, 3 रखे ये साफ 4, फर्स्ट रो लिखिएगा, ये नहीं कि लिखे हैं फर्स्ट रो और चल दिए कॉलम से या तो सेकेंड रो से, समझे? अब देखिए कोफैक्टर ऑफ, ये आ रहा है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, सेकेंड रो का कोफैक्टर देखिए 4 रखें, यहाँ देखिए 2-1 ये 2-2 है, जोड़ेंगे विषम मतलब चिन्ह माइनस, माइनस 1
या माइनस, चलिए लिख लेते हैं सिर्फ ये साफ तीन बचा, यहाँ चिन्ह प्लस चूंकि विषम है, ये साफ दो दैट इज माइनस थ्री टू। सुनिए ध्यान से, आप मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर निकाल लिए, ठीक। अब इससे एक मैट्रिक्स बी मानते हैं, एक मैट्रिक्स बी मानते हैं या बनाते हैं, तो देखिए 5-4 फर्स्ट रो में लिखना है 5-4, सेकंड में -3 2, कोई दिक्कत। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से, रो को कॉलम में 5-4-3 2, ये क्या हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए लिख लीजिए, हो गया मिटा दें। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो लंबा ही है, और करके लिखिए, अब छोड़ देंगे। कितना बजा है, 8:15 हुआ। चलिए देखिए, इधर नहीं लिखना है, फिर से और करके ये लिखना है, ये लिख लिए है ना, हम सिर्फ मिलाने के लिए आंसर रहने देते हैं। देखिए थर्ड बाय थर्ड ऑर्डर का कैसे बनाए वो तो पता चल गया, अब सेकेंड ऑर्डर का देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए लिखने जा रहे हैं। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है इसको अदला बदली कर देते हैं, ठीक, 5-2 ऑफ डायगोनल का चिन्ह बदल देते हैं, -4-3, देखिए आ गया वो है, हो गया। चलिए लिख लीजिए, ये समझे, दोनों को आपस में बदल दिए, इसका चिन्ह बदल दिए। आप लोग को कुछ होमवर्क दे रहे हैं, ठीक, आप लोग एडजॉइंट मतलब माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट ये तीनों को बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पढ़िएगा तो इनवर्स समझ में नहीं आएगा, और इनवर्स आता है मिटा दें, हाँ इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स। देखिए हम लिख देते हैं, सबके पास एनसीईआरटी है ना, मोबाइल है ना, हाँ मोबाइल में है, 4.4 का, ठीक, राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, नहीं 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 फोटो तोटो हमको भेजने के लिए नहीं आता है, वाले वाले।
फाइंड एडजेंटीज ऑफ द फॉलोइंग। और चार पॉइंट देखिए, ये सब हम करवाएंगे अपने मुताबिक, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये टाइप टॉपिक जो है ये क्लियर हो जाए। ये सब एग्जांपल आप लोग बना लीजिएगा, ये सवाल है, सवाल एक्सरसाइज का, ठीक, एग्जांपल में ही डाल दीजिएगा जहाँ नोटबुक बना रहे हैं वहीं। और इसका आंसर यूनिक आता है, ये नहीं कि आपका कुछ और आया, उसका कुछ और, उसका कुछ और, ऐसा नहीं है, सबका एक जैसा आंसर होगा। और लिखिए 4.5 में क्वेश्चन नंबर एक, बस क्वेश्चन नंबर एक बना लीजिएगा, दो सवाल है, बस काम हो जाएगा। ठीक ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। हेडिंग सिर्फ लिख लीजिए, तो हेडिंग लिख लीजिए, नेक्स्ट बात में पता चले। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके बाद पढ़ाएंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स।